हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक। हम इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं 12th बोर्ड एग्जाम्स के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पे, राइट। तो ये जो चैप्टर है गाइस, ये इशू ऑफ शेयर्स है, कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर नंबर 8। इसके पहले भी हमने इसके एंट्रीज एंड जनरल एंट्रीज के बारे में हमने डिस्कस किया, इसके कॉन्सेप्ट को समझा गाइस, राइट ना। तो इस वीडियो में भी आज हम इस कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके टेक्सुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है गाइस, पेज नंबर है 341 पे, राइट। और ये जो पूरा चैप्टर है गाइस, ये सिक्स टाइप के जो कॉन्सेप्ट है इस पे पूरा बेस है। एक तो है आपका जो शेयर्स इशू होता है, तो दैट टाइम आपका पार प्रीमियम और डिस्काउंट आता है गाइस। देखिए, जो डिस्काउंट वाले शेयर्स है उसको गवर्नमेंट ने वैसे ही उसको बंद कर दिए गए हैं। देखिए, गवर्नमेंट के थ्रू अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट एक्ट जो लगा हुआ है 2014 के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिस्काउंट ऑफ शेयर्स इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि आप कम अमाउंट में अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकते हो। जो फेस वैल्यू होती है उसी से आपको स्टार्ट करनी है। अगर आप फेस वैल्यू पे सेल करते हो तो उसको हम पार बोलते हैं, और फेस वैल्यू से कम में सेल करते हैं तो उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं, और पार वैल्यू यानी कि जो फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा में सेल करते हैं तो उसको प्रीमियम बोलते हैं। तो जो जैसे आपको मालूम होगा गाइस कि जो आपका इक्विटी और प्रेफरेंस होता है, इसके जो फेस वैल्यू होते हैं वो हमेशा 10 और 100 होते हैं। अगर इक्विटी है तो 10 होगा, प्रेफरेंस है तो 100 होगा, राइट ना। तो अगर आप इक्विटी का जो 10 फेस वैल्यू लेते हो उससे कम में यानी कि 9 या 8 रुपीज़ में सेल करते हो तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। गवर्नमेंट के थ्रू से उसके जो शेयर्स है उसको रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, उसको पब्लिकली इशू होने नहीं दिया जाएगा, राइट। देन गाइस, आपको क्या करना है, एट पार यानी कि 10 रुपीज़ है तो 10 से स्टार्ट करना है, या तो उससे ज़्यादा यानी कि प्रीमियम से स्टार्ट करना है, ठीक है। सेम एप्लीकेबल आपके प्रेफरेंस शेयर्स पे भी होगा। नेक्स्ट थिंग गाइस, ये तीन टाइप हो गए आपके इशू ऑफ शेयर्स के। इसके बाद आता है गाइस ओवर सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब, ठीक है। जब आपके पास 100 शेयर्स है कंपनी के पास और कंपनी इसको इशू करना चाहती है, ठीक है, और कंपनी इशू करती है, लेकिन सब्सक्राइब करने वाले लोग यानी कि शेयर्स खरीदने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, यानी कि 100 है तो समझो कि 120 होंगे, तो 20 क्या हो गए गाइस, ओवर सब्सक्राइब हो गए, राइट ना। या तो फिर अंडर सब्सक्राइब जैसे केसेस भी सामने आते, यानी कि कंपनी के पास 100 शेयर्स है और कंपनी जब इशू कर दी 100 शेयर्स तो सिर्फ सब्सक्राइब यहाँ लेने वाले शेयर्स कितने होंगे, 80, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 80। तो दैट इज मीन क्लास, यहाँ पे आप क्या हो गया कि अंडर सब्सक्राइब, ठीक है, 100 शेयर्स है लेकिन 80 लोग परचेस कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे अंडर सब्सक्राइब, ठीक है। ओवर सब्सक्राइब के अंदर भी दो पार्ट आता है गाइस, एक प्रोराटा आता है यानी कि प्रोपोर्शनल बेसिस पे, यानी कि कंपनी उसको एडजस्ट कर देती है। अगर ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो उसको कंपनी एडजस्ट कर देती है। एंड नेक्स्ट थिंग होता है गाइस रिफंडेड, या तो कंपनी एडजस्ट नहीं करेगी तो कंपनी उसको रिफंड कर देगी, ठीक है। देन ये हो गया टोटल 5 टाइप गाइस। इसके बाद आता है आपका कॉल इन एरियस एंड कॉल इन एडवांस, ठीक है। कॉल इन एरियस का मतलब क्या होता है कि जब आपको कॉल किया गया है कंपनी के थ्रू से और आपने उसका पेमेंट नहीं किया, ठीक है, तो कॉल इन एरियस हो जाएगा यानी कि आउटस्टैंडिंग हो जाएगा अमाउंट। नेक्स्ट थिंग है कॉल इन एडवांस, यानी कि आपको कॉल आने से ही पहले आपने क्या किया, पेमेंट कर दिया, तो कॉल इन एडवांस, ठीक है। तो ये हो गए दो टाइप। और नेक्स्ट आएगा गाइस फोरफिटेड शेयर्स एंड रीइशू ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स। फोरफिटेड शेयर्स क्या होता है गाइस, फोरफिटेड ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि कैंसिल कर देना शेयर्स को, ठीक है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो कंपनी क्या करती है कि अपने जो शेयर्स का अमाउंट है उसको पूरा कैंसिल करती है, क्वांटिटी कैंसिल कर देती है और आपसे शेयर्स बाय बैक कर लेती है, यानी कि वापस ले लेती है और आपका जितना भी अमाउंट है सब आपको रिफंड कर देती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फोरफिटेड। जब कंपनी आपसे शेयर्स ले लेती है तो कंपनी का लॉस होता है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे एक्सपेंसेस या लॉसेस को सफ़र करेगी, क्योंकि उतना अमाउंट कंपनी का कैपिटल से कम हो जाएगा गाइस, ठीक है। लेकिन कंपनी यहाँ तक नहीं रुकती है, कंपनी क्या करती है कि उस शेयर्स को रीइशू करती है लेकिन कम अमाउंट में। अगर फेस वैल्यू 10 है तो दैट टाइम कंपनी 9 या 8 रुपीज़ में सेल कर सकती है, दैट टाइम सेल कर सकती है, क्योंकि कंपनी ने स्टार्टिंग में 10 रुपीज़ में सेल किया था, लेकिन फोरफिटेड होने की वजह से कंपनी अब कम अमाउंट में सेल कर सकती है, राइट गाइस। तो उसको बोलेंगे रीइशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। मतलब कि इतने टाइप के बेसिस पे आपके पूरे सम्स डिपेंडेड है, पूरा चैप्टर डिपेंडेड है इशू ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट, ठीक है। तो लेट स्टार्ट करते हैं गाइस प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो कि पेज नंबर 341 पे है। हम सीधा सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फॉर्मेटिंग है, लेजर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसके अंदर ऑथराइज कैपिटल, इशू ऑफ कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये सब गिवन है, राइट। देन अभी जो सेकेंड सम हम कर रहे गाइस वो जनरल एंट्री के बेस पे, और आपके जो बोर्ड एग्जाम्स में है वो जनरल एंट्री आता है, आपको ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल ये सब नहीं आता, राइट ना गाइस। तो चलिए हम बोर्ड के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग सम सॉल्व करेंगे। अगर इसके बियॉन्ड आपको कुछ डाउट आएगा तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हो।
अगर चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 341 पे, क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आनंद कंपनी इशू 1 लाख इक्विटी से सॉरी प्रेफरेंसेस ऑफ ₹10। आपके क्वेश्चन में आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे अमाउंट होगा, रुपीज का सिंबल होगा गाइज। इच पेएबल एज ऑन एप्लीकेशन ₹4, ऑन अलॉटमेंट 3, ऑन फर्स्ट कॉल 2, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर ऑल दिस शेयर्स एंड रिसीव ऑल मनी। क्लियर गाइस? यहाँ पे अब मैं इस कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन था इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे अभी जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एक आनंद कंपनी है, ठीक है, और वो क्या कर रही है कि प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है। तो 1 लाख पूरा प्रेफरेंस शेयर्स है गाइस, 1 लाख क्या आपके प्रेफरेंस शेयर्स है, और इसके जो फेस वैल्यू है वो ₹10 है। इसको मैं FV लिखता हूँ शॉर्ट में। इसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मनी गिवेन है गाइस, एप्लीकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपको गिवेन है अलॉटमेंट, एंड फिर फर्स्ट कॉल, इसके बाद आपको सेकंड एंड फाइनल कॉल गिवेन है, राइट। कॉल एप्लीकेशन का अमाउंट गिवेन है, फर्स्ट कॉल का अमाउंट गिवेन है, एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी अमाउंट गिवेन है। दैट इज मीन ये जो ₹10 है गाइस, इसको पूरा बाइफरकेट कर दिया गया है। यहाँ पे एप्लीकेशन का अमाउंट है 4, अलॉटमेंट का अमाउंट है 3, फर्स्ट कॉल का है 2, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है 1। देखिए हर एक, अभी ये जो इशू ऑफ शेयर्स है, हर एक जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब की ना दो दो एंट्री बनेगी, ठीक है। हमेशा दो दो एंट्री बनती है गाइस, ठीक है। एक होता है ड्यू का और दूसरा होता है रिसीव का। यानी कि जब मैंने एप्लीकेशन दिया तो उस समय मैंने ऑन द स्पॉट कैश रिसीव कर लिया भाई, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने जब एप्लीकेशन दिया तो कैश मैंने रिसीव कर लिया गाइस, ठीक है। तो कैश कम सीन हो गया, और जो कैश आया उसको मैंने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये दो कॉन्सेप्ट होगा एप्लीकेशन का। अलॉटमेंट का मतलब कि जो मुझे एप्लीकेशन मिला था उसके नाम से मैंने शेयर्स अलॉट कर दिए। अब शेयर्स अलॉट हो जाने के बाद मैंने क्या किया कि उनसे पेमेंट लिया क्लास, ठीक है। तो एक होगा अलॉटमेंट और एक होगा पेमेंट रिसीव, दो एंट्री आएगी। सेम आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, कंपनी ने कॉल किया और जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने पेमेंट कर दिया। तो ये दो कॉन्सेप्ट आ गए फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल में, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट ऐसे ही होंगे गाइस। तो इसके अंदर दो दो एंट्री आएगी, एक होगा कॉल और एक होगा रिसीव। कैसे याद रखना है जनरल एंट्री, ये मैं आपको बताऊँगा सम के साथ साथ, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिए जब भी आपको एप्लीकेशन से स्टार्ट होगा सम, तो फर्स्ट एंट्री आपकी कंपलसरी आएगी बैंक अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। मुझे कैश रिसीव हुआ, बैंक रिसीव हुआ, किसके बिहाफ में, प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन के बेसिस पे, राइट। इसका नरेशंस इंपॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि इसके नरेशंस पे ही आपका पूरा अमाउंट आता है, ठीक है। तो चलिए इसका नरेशंस क्या होगा, बींग सेम लिखेंगे यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹4 पर शेयर्स रिसीव्ड, ठीक है। बैंक आएगा तो गाइस नरेशन के अंदर रिसीव्ड जैसे वर्ड आएंगे, यस। अब इसका अमाउंट देखते हैं, अमाउंट कैसे आएगा, ठीक है। तो 1 लाख शेयर्स है गाइस, 1 लाख इंटू 4 दैट इज मीन 4 लाख, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 4 लाख। तो यहाँ पे भी सेम अमाउंट आएगा 4 लाख। तो ये हो गई फर्स्ट एंट्री गाइस एप्लीकेशन की। ये एप्लीकेशन का मनी हमें रिसीव हुआ है, अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे बैंक अकाउंट में, सॉरी कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम सेकेंड वन, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं एप्लीकेशन का मनी। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ये ट्रांसफर की एंट्री है गाइस, ठीक है। एप्लीकेशन का मनी हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, और इधर पे नरेशन देंगे, सेम नरेशन देंगे गाइस यहाँ पे, बींग ये जो हमने लिखा हुआ है सेम नरेशन यहाँ पे भी आएगा, बींग प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख शेयर्स
एट द रेट रुपीज 4 पर शेयर रिसीव्ड, ठीक है। और अमाउंट भी सेम आएगा 4 लाख, क्योंकि एप्लीकेशन का हमने अमाउंट रिसीव किया था 4 लाख का। तो ये हो गया एप्लीकेशन की दो एंटिटी गाइस, एक तो रिसीव हुआ, दूसरा हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया। नेक्स्ट आते हैं अभी थर्ड एंटिटी पे, ठीक है। अब ये जो थर्ड एंटिटी बनेगी गाइस, ये बनेगा आपका अलॉटमेंट पे, ठीक है। अभी कंपनी क्या कर रही है कि शेयर सिर्फ अलॉट कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में एडमिशंस लेते हो तो आपको पहले सीट अलॉट हो जाती है, आप कॉलेज जाते हो फिर बाद में उसकी पेमेंट करते हो, ठीक है। कॉलेज वाले अगर आपके सामने कंडीशन रखते हैं कि इंस्टॉलमेंट में आपको फीस पे करना है, तो पहला तो कंडीशन रखा हुआ है कि जब आपको सीट मिल जाए तो आप पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। कितना पेमेंट करना है आपको, 3 रुपीज़ का पेमेंट करना है, क्लियर। तो चलिए अब इसको कैसे करेंगे, तो क्या करना है गाइस, ये जो हमने सेकेंड एंट्री लिखी है ना ये वाली, इसको आपको नीचे कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स, ये जो हमने लिखी है ये सेम, ये जो सेकेंड एंट्री लिखी है वो थर्ड में लिखेंगे हम। प्रेफरेंस शेयर्स इधर एप्लीकेशन लिखा है, तो यहाँ पे आएगा गाइस अलॉटमेंट, क्या आएगा अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट, देखो सेम एंट्री मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री गाइस। इसको बोलते हैं अलॉटमेंट ड्यू, मतलब सीट मिल गया लेकिन पेमेंट अभी तक आया नहीं है, तो इसको बोलेंगे अलॉटमेंट ड्यू। इसका नरेशन देंगे क्लास, सेम नरेशन हो, ठीक है, सब कुछ सेम होता है यहाँ पे। ये इजी चैप्टर है गाइस, बहुत ही प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा 8 मार्क्स के लिए। मनी ऑन, ठीक है, 1 लाख शेयर्स एट द रेट रुपीज 3 पर शेयर्स ड्यू, यहाँ पे क्या लिखोगे ड्यू, ठीक है। यहाँ पे मिला नहीं है इसलिए ड्यू लिखोगे अभी, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्लास। 1 लाख शेयर्स है आपके पास और 3 पर शेयर्स है, तो दैट इज मीन 3 लाख रुपीज, यहाँ पे आएगा 3 लाख और यहाँ पे भी आएगा गाइस 3 लाख। अभी हमने प्रेफरेंस शेयर्स को शेयर्स दे दिए गए और प्रेफरेंस शेयर से अभी अमाउंट रिसीव करेंगे। जब हम अमाउंट रिसीव करते हैं तो ये वाली एंट्री आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट। अभी ये अलॉटमेंट का टाइप है तो अलॉटमेंट आएगा, एप्लीकेशन का टाइप होता है तो एप्लीकेशन आता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ बैंक अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट, ठीक है, अकाउंट ये हो गया डेबिट। इसका नरेशन सेम देंगे यहाँ पे, बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट मनी ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट रुपीज 3 पर शेयर्स रिसीव्ड, ठीक है। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे भी सेम अमाउंट आएगा 3 लाख, यहाँ पे भी अमाउंट आएगा 3 लाख, ओके। तो ये हो गया कंप्लीट क्लास। अब आपको सेम ऐसे ही एंट्री पास करनी है फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की। जो हमने अलॉटमेंट में एंट्री पास किया क्लास, ये दो एंट्री कंपलसरी यहाँ पे भी आएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, ठीक है। आपको ऐसे ही इसमें इशू ऑफ शेयर्स में करना है, सिर्फ एप्लीकेशन की एंट्री चेंज हो जाती है, फर्स्ट बैंक आता है देन कैपिटल में ट्रांसफर आता है। बाकी कैसे आएगा, जो कैपिटल की एंट्री है वो फर्स्ट आएगी देन फिर बैंक की एंट्री आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल में भी आपको सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पे क्या लिखोगे अब, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, फर्स्ट कॉल की करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। टाइप क्या है, बस यहाँ पे टाइप चेंज करना है आपको, फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये फर्स्ट कॉल का था तो इसलिए हमने प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट कॉल लिखा, टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। और नरेशन सेम आएगा यहाँ पे भी, बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट कॉल, ठीक है, मनी ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट रुपीज 2 पर शेयर्स ड्यू, ठीक है। तो ये आ गया क्लास। अब इसका अमाउंट कैसे लिखेंगे, सेम 1 लाख शेयर्स है, 2 रुपीज पर शेयर्स है, तो दैट इज में यहाँ पे आएगा 2 लाख, यहाँ पे भी आएगा 2 लाख, ठीक है। एंड देन अभी सिक्स वाली क्या आएगी, ये सेम एंट्री यहाँ पे लिखना है आपको, बैंक अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, फर्स्ट कॉल प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन सेम, बीइंग
प्रेफरेंसेस, ठीक है, फर्स्ट कॉल, मनी ऑन 1 लाख शेयर्स, ठीक है, एट द रेट रुपीज 2 पर शेयर्स रिसीव, ठीक है। यहाँ पे मैंने आर कैपिटल में लिखा हुआ है, लेकिन आपको पूरा रिसिप्ट लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा डेबिट, देन क्लास अमाउंट सेम आएगा यहाँ पे 2 लाख, देन अमाउंट यहाँ पे सेम आएगा 2 लाख, समझ रहे हो गाइस। तो ये सेम ऐसे आपको एंट्री पास करते रहनी है। देन अब आए नेक्स्ट वन, जो अपना सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट वन है जो अपना सेकेंड एंड फाइनल कॉल का है। तो अभी तक सेवेंथ एंट्री देंगे, ये जो हमने फिफ्थ लिखा है गाइस, सेम यहाँ पे लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और इधर पे आएगा 2 प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट, और इसका नरेशन देंगे बीइंग, क्योंकि नरेशन पे ही आपका पूरा अमाउंट डिपेंडेड होता है गाइस। तो इसलिए नरेशन आपको बहुत ही सोच समझ के देना है, और ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसा मैं लिख रहा हूँ सेम वैसे ही आप कॉपी कर सकते हो नरेशन, ठीक है। और कुछ नहीं है गाइस, आप टेक्स्टबुक में भी देखोगे तो सेम नरेशन लिखा हुआ है, बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल फाइनल कॉल मनी ऑन, ठीक है, 1 लाख शेयर्स एट द रेट रुपीज 1 पर शेयर्स ड्यू, ठीक है, क्या आएगा ड्यू। तो यहाँ पे भी अमाउंट कितना आएगा क्लास, 1 लाख इंटू 1 करेंगे तो दैट इज मीन्स 1 लाख एग्जैक्ट, यहाँ पे पूरा 1 लाख आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे आएगा 1 लाख, और यहाँ पे भी 1 लाख, ठीक है। एंड अभी 8-1 क्या आएगा, जो 6 वाले हमने एंट्री पास किए सेम यहाँ पे भी 8 में आपको पास करनी है। यहाँ पे लिखना है बैंक अकाउंट 2 प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन देना है बीइंग, सेम नरेशन आएगा गाइस। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ऑन, ठीक है, 1 लाख शेयर्स एट द रेट रुपीज 1 पर शेयर्स रिसीव्ड, ये रिसीव्ड हो गया इसलिए बैंक अकाउंट आया, और अमाउंट कितना आएगा 1 लाख। तो ये हो गया इशू ऑफ सेल्स का टाइप गाइस, ठीक है। ये सिंपल सा सम था जैसे मैंने आपको बताया कि एट पार, ठीक है। तो ये सम्स के अंदर हमने क्या सीखा कि इशू हुआ था लेकिन पार पे हुआ था, यानी कि 10 रुपीज़ था तो 10 रुपीज़ में ही इशू किया गया, और जितना भी प्रोसीजर्स था यानी कि एप्लीकेशंस, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब का अमाउंट ड्यूली रिसीव हो गया, यानी कि कंपनी को प्रॉपर तरीके से रिसीव हो चुका हुआ है, ठीक है। तो उसके बेस पे आपको जनरलिटी यहाँ पे बनानी थी इशू ऑफ सेल्स का। तो आया गाइस ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ गया एट पार। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एट प्रीमियम, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शंस और अंडर सब्सक्रिप्शंस के बेसिस पे, ठीक है। मतलब जो मेरा सेकेंड अब वीडियो आएगा गाइस इसके बाद, वो होगा अंडर सब्सक्रिप्शन का टाइप, और ये हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं गाइस, यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 था ये। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3rd स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर इसके बियॉन्ड आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।